नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद में आज के एजेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में रहेगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दे सकते हैं चर्चा का जवाब। सदन में प्रश्नकाल आज भी रहेगा स्थगित। राज्यसभा के एजेंडे में आम बजट 2021-22 पर चर्चा। अर्थव्यवस्था को लेकर सभी दलों के सांसद रखेंगे विचार और सुझाव। लोकसभा की कार्यसूची में भी आम बजट पर चर्चा शामिल। और महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पर राज्यसभा में होगा विचार। फैसला लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को ज्यादा दक्षता के साथ काम करने का मिलेगा अधिकार। लोकसभा के एजेंडे में मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021। संसद के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। राज्यसभा की कार्यवाही अब से कुछ देर बाद सुबह 9 बजे शुरू होगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम कामकाज शामिल है। राज्यसभा में आम बजट 2021-22 पर चर्चा की शुरुआत होनी है। सदन के एजेंडे में विचार और पारित किए जाने के लिए महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 शामिल है। अहम मंत्रालयों, विभागों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। सदन की कार्यसूची में प्रश्नकाल भी शामिल है। इसके अलावा दिवंगत भूतपूर्व सदस्य महेंद्र बहादुर सिंह को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं लोकसभा की बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। सदन में प्रश्नकाल स्थगित रहेगा। आम बजट 2021-22 पर चर्चा भी सदन के एजेंडे में शामिल है। विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 भी शामिल है। अहम मंत्रालयों, विभागों के पत्र और संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी सदन में पेश किए जाएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में आज भी जारी रहेगी। चर्चा के लिए सदन में प्रश्नकाल स्थगित रखा गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में आज जारी रहनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा का जवाब दे सकते हैं। 8 फरवरी को बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था और बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। विपक्षी दलों के सांसदों ने कई संशोधन पेश किए, जिसके बाद चर्चा में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। मंगलवार यानी 9 फरवरी को बीजेपी के रमेश पिधूड़ी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया। देर रात तक चली चर्चा में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, टीआरएस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सांसदों ने किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। चर्चा पूरी नहीं हो पाई और आज भी जारी रहेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। और इस समय हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, पहले हम अगर आज का एजेंडा देखें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा लोकसभा में जारी रहनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चर्चा का जवाब भी लोकसभा में दे सकते हैं। प्रश्नकाल भी इसके लिए स्थगित रखा गया है। कल हमने देखा काफी देर रात तक चर्चा जारी रही, आज के आसार हैं इसे लेकर?
देखिए, जिस तरीके से लोकसभा में भी कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से शुरू हो गया है, तो इस बात की संभावना काफ़ी है कि आज भी चर्चा का वैसा ही रहेगा, चर्चा की गति वैसी ही रहेगी जैसी कल और परसों देखने को मिली थी, क्योंकि पहले दो तीन दिन काफ़ी बाधित रही है लोकसभा में चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, और जो खास करके विपक्षी सदस्य थे उन्होंने व्यवधान डालने की काफ़ी कोशिश की, उनके अपने अपने मुद्दे थे, और जब सदन में चर्चा शुरू होती है, जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है, तो कई ऐसे मुद्दे आते हैं जो विपक्षी दल उठाना चाहते हैं, और सरकार को उसी के बीच से एक रास्ता निकालना पड़ता है। तो एक रास्ता निकला विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी सदस्यों से बात की और उन्होंने अपील की कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजना है, संवैधानिक दायित्व है, और जो भी विपक्षी सदस्य हैं वो पिछले भी कई बार सत्ता में रहे हैं तो उन्हें संवैधानिक दायित्वों का एहसास होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बाद लोकसभा में स्थिति बनी और सदन में चर्चा आप देख रहे हैं कि काफ़ी देर तक चल रही है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो आज इस बात की संभावना है कि आज इस चर्चा का पटाक्षेप हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है देर रात जवाब दें, लेकिन अब इस बात पर निर्भर करेगा कि चर्चा निश्चित तौर पे सारे सदस्य जिनका नाम है वो सारे सदस्य बोल पाते हैं या नहीं, क्योंकि जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनकी एक खासियत यह भी है कि वे चाहते हैं कि जो जो सदस्य बोलना चाहते हैं उन सभी को बुलवाया जाए ताकि किसी को उनके प्रति शिकायत नहीं हो। तो इसलिए यह देखना होगा कि कितने देर तक चर्चा चलेगी और प्रधानमंत्री उस पर आज जवाब दे पाते हैं या कल जवाब देंगे। तो लेकिन फिर भी काफ़ी अहम आज की स्थिति होगी, यू नो, इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर लोकसभा में। जी ठीक है, हम आगे एजेंडे पर बात कर लेते हैं अखिलेश, और आज काफ़ी अहम कामकाज दोनों सदनों में हम देख रहे हैं एजेंडे में। जो आम बजट है, आम बजट 2021-22 पर चर्चा दोनों सदनों की कार्यसूची में शामिल है। राज्यसभा में आम बजट 2021-22 पर चर्चा की शुरुआत होनी है, लोकसभा में भी आम बजट पर चर्चा होनी है। इस दौरान अर्थव्यवस्था को लेकर सभी दलों के सांसद अपने विचार और सुझाव रखेंगे। नीतियों की आलोचना के अलावा विपक्षी सदस्य अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। चर्चा के आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदस्यों की चिंताओं और सवालों का जवाब भी देंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट पेश किया था। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अखिलेश, अगर हम राज्यसभा का एजेंडा देखें, साथ ही लिस्टेड अगर बात करें तो लोकसभा के एजेंडे में भी आम बजट पर चर्चा आज लिस्टेड है और राज्यसभा में इसकी शुरुआत होनी है आज से। एक तरह से देखें तो बहुत कम मौके ऐसे हुए हैं अखिलेश जब राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा की शुरुआत पहले हुई हो, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं और इसे लेकर क्या आसार दिख रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जिस तरीके से आम बजट पर चर्चा दोनों सदनों में रखा गया है कार्यसूची में, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा में खास तौर पे आज प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे चर्चा होनी है और वह कितने देर तक चलेगी इस बात की कोई अभी तक गारंटी नहीं है। तो इसलिए इस बात की संभावना है कि राज्यसभा में पहले आम बजट पर चर्चा शुरू हो जाए, और चूंकि वित्त विधेयक होता है, बजट जो है वित्त विधेयक है, और वित्त विधेयक की में परिपाटी ये होती है कि लोकसभा पहले उसे पारित करता है, उसके बाद राज्यसभा में उसे लाया जाता है, और राज्यसभा उसको अनुमोदित करके उसे लोकसभा को लौटाता है। तो अगर कोई संशोधन नहीं हो तो लोकसभा उस पर मान लिया जाता है पारित, अगर संशोधन हो तो लोकसभा उस पर विचार करती है। तो लेकिन राज्यसभा की कोई अथॉरिटी नहीं होती, राज्यसभा सिर्फ लौटाती है लोकसभा को, तो इसलिए यह समझा जाता था कि लोकसभा इससे पहले पारित करेगी। लेकिन एक कई बार विशेष परिस्थितियां आई हैं भारत के इतिहास में, और उन विशेष परिस्थितियों में यह देखा गया है कि राज्यसभा में पहले बजट पर चर्चा शुरू हो गई, और वे 5 बार इतिहास में हो चुका है। उसके बाद 1963 में हुआ, उसके बाद 1965 में हुआ, उसके बाद 2002 में हुआ,
जबकि आम बजट पे चर्चा राज्यसभा में पहले शुरू हो गई। तो जैसा कि आप जानती हैं कि हमारा संविधान जो है काफ़ी नमनीय है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, और परिस्थितियों के मुताबिक संसद के दोनों सदनों को एक तरीके की स्वायत्तता भी होती है कि वह किस बात पर चर्चा पहले करे, जो यहाँ तक कि संशोधित कार्यसूची में भी फ्लोर पर इस बात को तय किया जा सकता है कि हाँ ये हम पहले चर्चा करेंगे, इस बात पर बाद में चर्चा करेंगे। तो यह एक टेंटेटिव प्रोग्राम होता है, लेकिन सदन का जो पटल होता है वह अपने आप में बहुत ही सॉवरेन माना जाता है और चेयरमैन की अनुमति से इसमें कई तरह के परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे अगर ऐसा होता है कि राज्यसभा में चर्चा पहले शुरू हो जाती है तो ये काफ़ी रोचक समय होगा, जब देखना होगा किस तरीके से राज्यसभा इस पर चर्चा करती है और क्या वो राज्यसभा पहले ही लौटा देती है लोकसभा को, या लोकसभा पहले संपन्न करके राज्यसभा को फिर से एक बार अपनी संस्तुति भेजती है। देखना होगा, काफ़ी रोचक होगा इस बार का बजट अगर राज्यसभा में पहले चर्चा शुरू हो जाती है। बिल्कुल अखिलेश, और थोड़ा सा मैं एक बार और बता दूं, आपने 5 ऐसे मौके बताए हैं जब राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा की शुरुआत पहले हुई है, वरना अमूमन लोकसभा में आम बजट पर चर्चा की शुरुआत पहले होती है, और ये जो 5 मौके रहे हैं, 1955 ऐसा मौका रहा है, उसके बाद आज का जो मौका है वो भी एक तरह से इतिहास में दर्ज होगा, ये 6ठा मौका होगा जब राज्यसभा में लोकसभा से पहले चर्चा की शुरुआत होगी आम बजट पर। अखिलेश आप बने रहिए, आगे जो कार्यसूची है, एजेंडा है, उसको हम देख लेते हैं। राज्यसभा की कार्यसूची में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 शामिल है। इसका मकसद बंदरगाहों की आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के साथ ही व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाने के मद्देनजर प्रमुख बंदरगाहों के प्रशासन में पेशेवराना अंदाज को बढ़ावा देना है। इससे निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता के साथ ही प्रमुख बंदरगाहों को अधिक दक्षता के साथ काम करने का अधिकार मिलेगा, साथ ही प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में पारदर्शिता लाने में भी मदद मिलेगी। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 देश में प्रमुख बंदरगाहों के नियमन, संचालन और नियोजन के लिए प्रावधान करता है। साथ ही ये विधेयक ऐसे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण, प्रबंधन और उससे जुड़े मामलों को मुख्य बंदरगाह प्रशासन के बोर्ड को देने से संबंधित है। विधेयक में बंदरगाह प्राधिकरण के बोर्ड की सरल संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले मौजूदा 17 से 19 की तुलना में 11 से 13 सदस्य ही शामिल होंगे। बंदरगाह प्रशासन को अब तटकर तय करने के अधिकार दिए गए हैं, जो पीपीपी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने को लेकर एक संदर्भ तटकर के तौर पर काम करेगा। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड को भूमि सहित अन्य बंदरगाह सेवाओं और परिसंपत्तियों के लिए शुल्क का दायरा तय करने के अधिकार सौंपने का भी प्रस्ताव है। बंदरगाह प्राधिकरण बोर्डों को अनुबंध करने, योजना और विकास, राष्ट्रहित को छोड़कर शुल्क तय करने, सुरक्षा, निष्क्रियता और डिफॉल्ट के चलते आपातकालीन स्थिति की पूरी शक्तियां दी गई हैं। बंदरगाह की सीमा और भूमि के दायरे में किसी भी विकास या अवसंरचना के संबंध में बोर्ड को विशिष्ट मास्टर प्लान तैयार करने का अधिकार होगा, और इस तरह का मास्टर प्लान किसी भी प्राधिकरण के स्थानीय या राज्य सरकार के नियमों से स्वतंत्र होगा। वहीं मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा के एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सदन में विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। संसद की मंजूरी के बाद यह विधेयक 4 नवंबर 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। इसके जरिए धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर अब अदालत बिना शर्त रोक लगा सकेगी। ताजा संशोधन के अनुसार अगर कोई फैसला धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के जरिए हुए करार के आधार पर दिया जाता है तो अदालत फैसले पर स्थगन के लिए कोई शर्त नहीं लगाएगी और अपील लंबित रहने तक बिना शर्त स्थगन देगी। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अखिलेश, अगर विधायी कामकाज को लेकर देखें तो राज्यसभा की कार्यसूची में जो पोर्ट से जुड़ा हुआ बिल है और साथ ही आर्बिट्रेशन बिल जो है वो लोकसभा के एजेंडे में जुड़ा हुआ है, आज शामिल है। दोनों की अगर हम बात करें तो काफ़ी अहम बिल हैं, जो अपने अपने क्षेत्र की बात करें तो काफ़ी कुछ सुधार की बात करते हैं। इनकी यात्रा को अगर हम देखें, थोड़ा जर्नी समझने की कोशिश करें तो वो भी काफ़ी खास रही है। निश्चित तौर पे प्रीति, जो हमारा संविधान है वो इस तरह की व्यवस्था करता है कि आप चाहें तो कानून में परिवर्तन कर सकते हैं, कानून को वापस ले सकते हैं,
उसके अलावा कानून में समय समय पर उसमें संशोधन कर सकते हैं, और इसलिए माना जाता है कि समय और काल की परिस्थिति के मुताबिक जिस तरह की ज़रूरत हो उसके मुताबिक कानून बनाए जाते हैं, और जब ज़रूरत होती है स्थितियां बदल जाती हैं तो कानून में परिवर्तन किए जाते हैं। तो जिस तरह से मेजर पोर्ट बिल की बात है, तो मेजर पोर्ट ट्रस्ट की पहला बिल आया था 1963 में, उस समय आप समझ सकती हैं कि उस तरीके से हम पोर्ट से व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए एक रेगुलेट करने के लिए 1963 में एक बिल आया, और उस बिल के मुताबिक यही था कि एक ऐसी स्थिति बनाई जाए जिसमें कि पोर्ट को ज़्यादा सुचारू रूप से कार्यरत किया जाए और उनको एक कमर्शियल वायबिलिटी दी जाए, ताकि वो एक हमारा जो समुद्री व्यापार है उसमें अपनी भूमिका निभा पाए। लेकिन उसका नाम था मेजर पोर्ट ट्रस्ट बिल, अभी जो बिल है वो उसका नाम है पोर्ट अथॉरिटी बिल, लेकिन उसका नाम था मेजर पोर्ट ट्रस्ट बिल। तो उस समय एक तरह से कह सकते हैं कि हम बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार को एक संचालित करने के लिए अहम निर्णय ले रहे थे, लेकिन बाद में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक समुद्री व्यापार को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि हमारे जो समुद्री रणनीति है उसको भी काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, तो व्यापार और रणनीति दोनों को अगर बढ़ाएं तो हमें इफेक्टिव बंदरगाहों की ज़रूरत है। तो इसीलिए 12 मार्च 2020 को यह बिल लाया गया था, और अभी इस पर चर्चा शुरू होगी और इस पर पारित भी किया जाएगा। तो इस बार के बिल की जो जर्नी है, आप समझ सकती हैं कि 1963 में जो हमारी ज़रूरतें थी, 1963 में ज़रूरतें थी कि हम पोर्ट ट्रस्ट स्थापित करें, सुचारू रूप से संचालित करें, आज की ज़रूरत यह है कि हम उन्हें कम्पिटिटिव बनाएं, हम उन्हें इतना प्रभावी बनाएं ताकि दुनिया के किसी भी बंदरगाहों से हम अपनी तुलना कर सकें, और तकरीबन एक दर्जन पोर्ट हैं जिनको कि काफ़ी सुचारू रूप से हम बना सकते हैं, उनको कम्पिटिटिव, उनके माध्यम से व्यापार कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हम दुनिया के व्यापार में जो सप्लाई चेन में शामिल होना चाहते हैं उस सप्लाई चेन में हम अपने अच्छे बंदरगाहों के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए आज के समय के मुताबिक तो यह एक बहुत ही अच्छी यात्रा है जो पोर्ट के माध्यम से हम शुरू हुए थे 1963 में, और आज हम 2021 में उसको एक आज का बिल्कुल आधुनिक रूप देना चाहते हैं। बिल्कुल, और जो आर्बिट्रेशन जुड़े बिल है, मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक है जो लोकसभा के एजेंडे में है, उसको लेकर देखिए तो अखिलेश, हम जानते हैं कि जो अध्यादेश है उसकी जगह लेनी है इस विधेयक को पारित होने के बाद, और इसमें भी काफ़ी खास प्रावधान है जो संस्थागत मध्यस्थता है उसे बढ़ावा देने में जो कठिनाइयां पैदा होती हैं उसे दूर करने और भारत को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र में बढ़ावा देने की बात कही गई है, तो ये बिल भी काफ़ी अहम है अपने आप में। हाँ बिल्कुल, और जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे तो उसमें खास बात यह भी है कि जब ये हमने सुधार का कार्यक्रम शुरू किया, आर्थिक सुधार का कार्यक्रम 90 के दशक में, और 90 के दशक में आप जानती हैं कि आर्थिक सुधार के कार्यक्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी कि हम अपने प्राइवेट बिजनेस को किस तरीके से महत्व प्रदान करें, उन्हें कम्पिटिटिव बनाएं और उनको जो अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा है उनमें शामिल करें, और जब वे शामिल होंगे मुख्यधारा में अर्थव्यवस्था की और बिजनेस संचालन में तो निश्चित तौर पे उनके अंदर विवाद भी होगा। तो इस लिहाज से 1996 में पहला एक बिल लाया गया था जिसमें कि जो घरेलू हो या इंटरनेशनल हो, कमर्शियल जो आर्बिट्रेशन हो सकते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन जो कंपनी है उनके आर्बिट्रेशन के लिए भी 1996 में सबसे पहला बिल लाया गया था। ऐसे कई कानून थे पहले भी हमारे, लेकिन 1996 में एक समेकित बिल लाया गया जो आर्बिट्रेशन और रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को, दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों को। उसके बाद 2015 में आया, और 2015 में लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अब 1996 से 2015 की जर्नी अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारे आर्थिक सुधार काफ़ी मजबूत हुए, और जो निजी कंपनियां हैं वो काफ़ी मजबूती से हमारी अर्थव्यवस्था में आई और उन्होंने योगदान करना शुरू किया, और यहाँ तक कि विदेशी निवेश भी हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ा। तो इस लिहाज से 2015 में इसमें अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत पड़ी ताकि इन्हें और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके और इसको स्मूथ किया जा सके, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, क्योंकि ज़्यादा खर्च नहीं लगे, क्योंकि आप जानती हैं कि अदालत और कानून इसके पचड़े में कई बार चीज़ें लंबित होती हैं तो उसमें खर्च भी बढ़ता है, तो कंपनियों को इसमें पचड़े में न फंसाएं बल्कि उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद किस तरीके से किया जाए, इस लिहाज से 2015 में एक संशोधन विधेयक लाया गया ताकि उनका त्वरित रूप से उसका निपटारा भी किया जा सके। उसके बाद 2019 में एक बिल आया
जी। और उस 2019 के बिल में एक इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन इस देश में स्थापित किया जाए, इसके लिए व्यवस्था की गई। आपको याद होगा कि हमारी कोशिश ये है कि इंटरनेशनल हब में परिवर्तित किया जाए भारत को, क्योंकि भारत में जो कानूनी हमारी व्यवस्था है काफी मजबूत मानी जाती है, इसलिए इंटरनेशनल हब बनाने की शुरुआत सोचना उसी समय से 2019 से शुरू कर दी। और अब 2021 में जो आया है उसमें आया है कि किस तरह इस पूरे आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया से हम भ्रष्टाचार के तत्वों को बाहर रख पाएं, ताकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल जो आर्बिट्रेशन हब बनने हैं वो ज़्यादा पारदर्शी हो और लोगों को विश्वास हो। तो यह बड़े पैमाने पे भारत के अर्थव्यवस्था के प्रति, भारत के कानूनी व्यवस्था के प्रति और भारत के वाणिज्यिक व्यवस्था के प्रति दुनिया में विश्वास पैदा करे, इसलिए यह बिल आज लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी संसद भवन परिसर से हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और अब बात करेंगे दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा जाएगा। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और जुगल सिंह माथुर जी लोखंडवाला वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को सदन में पेश करेंगे। डॉक्टर फौजिया खान और राजमणि पटेल खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। डॉक्टर भागवत कराड़ और ए विजय कुमार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला मंत्रालय से संबंधित 2019-20 की अनुदान मांगों पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन और 2020-21 के अनुदान मांगों संबंधी छठे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देंगे। लोकसभा में भी आज अहम संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और अजय मिश्र टेनी खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति की प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद रमेश बिधूड़ी और उन्मेष भैया साहेब पाटिल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु और प्रसून बैनर्जी वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कोयला मंत्रालय से संबंधित 2019-20 की अनुदान मांगों पर कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन और 2020-21 के अनुदान मांगों संबंधी छठे प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 2019-20 के अनुदान की मांगों से संबंधित चौथे प्रतिवेदन और 2020-21 के अनुदान की मांगों से संबंधित सातवें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। एक नजर राज्यसभा में पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। राज्यसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत नागर विमानन मंत्रालय से जुड़े सवाल से होगी। सांसद महेश पोद्दार पूछेंगे, क्या सरकार ने घरेलू विमान यातायात को फिर सामान्य स्थिति यानी कोविड-19 महामारी से पूर्व की स्थिति में लाने के संबंध में कोई अनुमान लगाया है। सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव पूछेंगे, तिरुपति विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने में विलंब के क्या कारण है और सरकार तिरुपति से कब तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने का विचार रखती है। और अब बात आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमी रेड्डी पूछेंगे कि आंध्र प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन की स्थिति क्या है। सांसद जी सी चंद्रशेखर पूछेंगे, क्या बेंगलुरु मेट्रो लाइनों के निर्माण में विलंब हो रहा है। और अब श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़े अहम सवालों की। सांसद नीरज शेखर पूछेंगे, वर्ष 2019-20 और 2020-21 की अवधि के दौरान आज की तारीख तक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है।
सांसद संजय सेठ पूछेंगे देश में अकुशल और कुशल प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा आरंभ कार्यान्वित की गई नई योजनाओं या कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है। सांसद पी भट्टाचार्य पूछेंगे पिछले दो वर्षों के दौरान मजदूरों के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राजस्थान को दी गई केंद्रीय सहायता का वर्षवार राज्यवार ब्यौरा क्या है। और अब बात गृह मंत्रालय से जुड़े सवालों की। सांसद मानस रंजन भूनिया पूछेंगे पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत बांग्लादेश सीमा से सीमा पार घुसपैठ बढ़ गई है। सांसद सैयद नासिर हुसैन पूछेंगे क्या 5 अगस्त 2019 को संसद में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के संबंध में जानकारी दिए जाने से पहले इस गोपनीय जानकारी को एक पत्रकार सहित कुछ एक नागरिकों जो केंद्र सरकार के अधिकारी भी नहीं थे के साथ साझा किया गया था। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पूछेंगे देश में राज्यवार कौन कौन से जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। सांसद कपिल सिब्बल पूछेंगे देश के अंदर वर्तमान में हिरासत में कितने राजनीतिक कैदियों को रखा गया है। और अब से कुछ देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। आगे देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें, अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।